हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएम फॉर यू इंडियन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ जो कि 7 जुलाई को स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी है जो 7 जुलाई को स्टार्ट होने वाले हैं आईपीओ। इस कंपनी का नाम है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्टर लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी को मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ना कि इसका पूरा हिस्ट्री, मतलब जो हम सब इन्वेस्टर के लिए जो जरूरी है, जो पॉइंट, मतलब जैसे बता दें कि अगर हम इस पॉइंट को आपको बता दें पर आप समझ जाए कि अच्छा ये कंपनी इस बिजनेस में, इसका ये बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी ये काम करती है, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि आज के टाइम में इस कंपनी का कितना महत्व है और इसमें हम पैसा लगाएंगे तो कितना ये प्रॉफिट होगा। ये जो मैं पॉइंट बोला हूँ आप इस पे गौर करिएगा। चलिए हम इस कंपनी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो थोड़ा सा बेसिक है ये बता दें, ये कंपनी को जो स्टार्ट किया गया था वो 1995 में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था, और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है सड़क और नेशनल हाईवे बनाने का इसका बिजनेस मॉडल है। इसका मैंने देखिए बिजनेस मॉडल भी बता दिया कि ये कंपनी क्या बिजनेस मॉडल है, और इसके बारे में कुछ बता देते हैं ताकि आप लोग को और आसानी हो जाए कि जज करने में कि ये कंपनी वास्तव में इस टाइम इस कंपनी का कितना महत्व है। देखिए, ये जो कंपनी है इसका मेन काम है ठेका का। ठेका मतलब जैसे ये लिखा है ईपीसी मतलब ठेका लेना, मतलब इसका ये बता दें कि जैसे भारत सरकार अगर कोई रोड सड़क मतलब बनवाना चाह रही है तो ये काम इस कंपनी को देती है, मतलब ठेका देती है कि ये सड़क बनाइए, तो ये कंपनी उस ठेके को एक्सेप्ट करती है, उस काम को एक्सेप्ट करती है और ये अपना काम स्टार्ट करती है। ये कंपनी का जो काम स्टार्ट है या चल रहा है ये जैसे राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश और भी मतलब बहुत बहुत जगह हैं जो मतलब इस कंपनी सड़क पे काम कर रही है, और ये 100 से भी ज़्यादा सड़क अपना रोड कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हाल में ही बता दें कि जैसे अभी गाजियाबाद में स्टार्ट हुआ था सड़क, उस सड़क का क्या नाम है हमको तो नहीं पता, लेकिन हम उस हाईवे को हम देखे हैं, वो शायद गाजियाबाद में ही है वो, जो कि उस रोड का जो कंस्ट्रक्शन दिया गया था वो इसी कंपनी को दिया गया था। चलिए अब जान लेते हैं इस कंपनी का, और ये कंपनी का तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। चलिए इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी का जो स्ट्रेंथ है देख सकते हैं आप, आपके सामने 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए इसका इसका काम है जो जिसमें ये एक्सपर्ट है वो देखिए, इसका नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट है, फ्लाईओवर है और रोड है, इनका यही मतलब इस प्रोजेक्ट में ये एक्सपर्ट है। और इनका जो 4 पॉइंट लिखा गया है, और ये कंपनी का प्रमोटर जो है वो विनोद कुमार अग्रवाल, एजेंद्र कुमार अग्रवाल, ये इनके कंपनी के, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कंपनी के जितने भी हैं ये कंपनी के प्रमोटर हैं। और कंपनी का मेन अब आता है ये कंपनी का फाइनेंशियल मेन। आईपीओ लगाने से पहले कंपनी क्या करती है, ठीक है दैट्स इट, वो होता है कि मैं हम जान लें कि आज के टाइम में इस कंपनी का कितना महत्व है। ज़्यादा जानने की नीड नहीं है कि ये कंपनी कब, ये कंपनी क्या करती है, कब से करते आ रही है, क्या है ये वो, इसका मेन है एक कंपनी का फाइनेंस कि मतलब ईयर टू ईयर बेसिस पे ये कितना हमको प्रॉफिट देने वाली है, या जो आईपीओ हम लगाएंगे तो वो कितना आईपीओ। ध्यान से आप समझिएगा इस कंपनी का फाइनेंशियली एरिया क्या है। देखिए टोटल एसेट का हिंदी में मतलब होता है, एसेट का मतलब संपत्ति होता है कि ये इस कंपनी के पास कितना संपत्ति है। देखिए 2019 में संपत्ति इतना था, ये जो है मिलियन में है, इसको आप रीड कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए 2019 में इस कंपनी के पास इतना संपत्ति था, उसके ठीक एक साल बाद इस कंपनी पे इतना संपत्ति था, उसके ठीक एक साल बाद इस कंपनी पर इतना संपत्ति था। अगर हम आपको एक वर्ड बोलें कि इसको अगर इसको जज किया जाए इस कंपनी को, तो ये ठीक 2 साल में ये कंपनी का जो संपत्ति है, जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है,
मतलब जो प्रॉफिट टैक्स है वो सीधे दुगुना हो जा रहा है लगभग में मान सकते हैं, लगभग में, मतलब पूरा एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन लगभग में मान सकते हैं कि दुगुना हो जा रहा है। जैसे 2019 में देख सकते हैं इतना है और यही 2021 में देख सकते हैं इतना है, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं इनका दुगुना है। अब देखते हैं क्या इसका टोटल रेवेन्यू भी इतना है, यही देख सकते हैं कि 2019 में इसका इतना है, 2020 में इतना है और 2021 में इतना है। तो ठीक, ये भी बढ़िया है, हमें देखने को मिल रहा है कि दो साल में ये कंपनी का जो रेवेन्यू भी है ये भी डबल हो रहा है लगभग में। याद रखिएगा हम लगभग बोल रहे हैं, एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो दुगुना अगर करेंगे तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार से आप मान सकते हैं। अब प्रॉफिट टैक्स देखते हैं कि पिछले एक साल में दो साल में क्या कर रहे हैं। देखिए एक साल में मतलब 2019 से लेके 2020 तक, देखिए ये इतना था, फिर 2020 में इतना था, 2021 में इतना था, ये भी मान सकते हैं उतना ये। मतलब अगर हम आपको बोलें, देखिए सुनिएगा बात को, अगर आपको हम बोलें कि क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, जी हाँ ज़रूर इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को लाने के लिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो और इनके पे बीएसई और एनएससी से पैसा लगाया जाए, मतलब जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी पे पैसा लगाएं ताकि वो भी प्रॉफिट में हो और अपना काम भी चले और हम इनको प्रॉफिट में करके पैसे को दें। चलिए ये इतना हो गया, अब देखते हैं कि ये कंपनी का कब ओपन होने वाला है और कब क्लोज होना है। देखिए 7 जुलाई को ये कंपनी स्टार्ट होगा और 3 दिन बाद इस कंपनी को क्लोजिंग डेट है। तो अगर मैं कहूँ कि कब लगाना चाहिए तो आप कभी भी लगा सकते हैं इस कंपनी पे, इस पर कोई वो नहीं, इसका कोई रोक नहीं है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन देख के लगाएं, नहीं आप लगाइए, आप आँख मूंद के लगाइए। मैंने बोला है कि मिनिमम दो, मैक्सिमम दो लॉट पे जाइएगा, ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है, तो इस कंपनी पे आप जा सकते हैं एकदम 100%, ठीक है। आप शुरू में ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, 8 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए, यू आर डिपेंड, ठीक है। अब इसका फेस वैल्यू देख लेते हैं क्या है। इसका फेस वैल्यू 5 पर इक्विटी शेयर है, मतलब 5 शेयर इस पर इक्विटी शेयर पे इन्होंने इस कंपनी को लॉन्च किया है, जैसे इसमें प्राइस जो रखा गया है 828 से लेके 837 तक, ये देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, 837 तक इनका पर इक्विटी पर रखा गया है इस कंपनी को। मतलब आपको मिनिमम लॉट जो है वो एक, मिनिमम लॉट तो एक लेना है, जो शेयर है वो 17 लेना है, जबकि फेस वैल्यू इनका 5 दिया गया है। देखिए आपका जो मार्केट लॉट है वो 17, मतलब आपको 17 शेयर लेना है, एक मिनिमम एक लॉट 17 शेयर आपको लेना है, ठीक है, जो कि आपको कट ऑफ वैल्यू पे इस पे अप्लाई करना है। अब इसका देख लेते हैं, ये दोनों पे लिस्टेड होगा, मैंने ये पहले बता दिया, बीएससी और एनएससी पे दोनों लिस्टेड होगा। इनका जो इशू साइज रखा गया है वो 963.28 करोड़ रखा गया है इनका इशू साइज, मतलब इन्वेस्टर के लिए मान सकते हैं 30 या 35 के बीच में आप मान सकते हैं। इसका ऑफर एंड सेल भी बहुत अच्छे हैं, 263.28 करोड़ इनका ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनका रिफंड कब आएगा इस कंपनी, अगर आप इनका अलॉटमेंट डेट कब है और इनका रिफंड डेट कब है, कब आएगा, या फिर आपके डीमेट अकाउंट में कब शेयर को क्रेडिट किया जाएगा। देखिए इस कंपनी का जो बेसिक लॉट डेट है ये 14 तारीख को है, 14 जुलाई को, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही ये टाइम बढ़ा के दे दिए हैं, 14 तारीख थोड़ा ज़्यादा ही होता है, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है, आप मिनिमम 2 लॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, ठीक है। और जो इसका रिफंड है, अगर नहीं हुआ तो उसके ठीक अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा और आपके क्रेडिट 16 तारीख को आएगा डीमेट अकाउंट में, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो रिफंड 15 तारीख को आ जाएगा, अगर मिल गया तो आपके जो लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा वो 19 तारीख को लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और वीडियो बताएंगे जो इसके स्ट्रेटजी पे आधारित रहेगा कि इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कितने दिन तक इस शेयर को रखना चाहिए अपने इक्विटी में। देखिए अभी हम कम से कम स्ट्रेटजी पे 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग फॉलो किए हैं उस, हमें जहां तक लगता है कि जो फॉलो किए होंगे उनके जरूर न कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और जो बोले थे हम कि प्रिंसिपल लीजिएगा और शेयर का जो प्रॉफिट है उसको छोड़ दीजिएगा, कितने लोग किए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है रियल में। अब देख लेते हैं कि इसका कितना हमको अप्लाई करना चाहिए, क्या है इसका एप्लीकेशन, जो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए इनका मिनिमम
एक लॉट है 17 शेयर आएगा जो कि 14,219 रुपये आएंगे, और मैक्सिमम 14 है। इसका मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं बताता कि आप इतना लीजिए, मैं बताऊंगा मैक्सिमम बस दो लॉट लीजिए। दो लॉट रहेगा जिसमें से 34 शेयर रहेंगे और आपका पैसा इसका सीधे दोगुना रहेगा। बस इतना आप लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, ज़्यादा के चक्कर में मत रहेगा। देखिए प्री इशू जो होल्डिंग शेयर है इनके पास 88.05% है, इनके पास जो होल्डिंग शेयर है प्रमोटर के पास। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी देख के इस वीडियो को देख के उनका हेल्प हो और वो भी शेयर मार्केट में इंटर कर सकें।